फाइनली मैंने तुम्हें गांव पहुंचा दिया है। इस गांव का नाम है समयपुर। नहीं नहीं, हम ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी को यहाँ पे डैमेज करने पे हमें काफ़ी, यहाँ पे हरियाणा के गांव होते हैं ना, देसी वाले, देसी जाट वाले, मुझे लग रहा है ये सेम वही है, हैं सेम वैसे ही है, ये गांव वही है। यहाँ के फार्मर स्विट्ज़रलैंड में बोलते हैं कि लोग सब अमीर हैं। हाँ, यहाँ सब अमीर हैं। ये मेज कटर, ये सब कुछ है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं। यहाँ पे यहाँ का गांव आता हुआ पहला गांव जो कि हमने देखा है, देसी गांव है और देसी चीजें दिखने लगी, गायें दिखने लगी, जो कि मैं गाय देखना चाहता था यहाँ की। बहुत ट्रैक्टर भी खड़ा है, खेत है साइड में, लोगों को यहाँ के गांव आ रही। मुझे मतलब मेरे अंदर खुद की क्यूरियोसिटी है कि मैं यहाँ की बड़ी सिटी में जाके गांव देखूँ, मैं देखूँ कि हमारे देसी गांव और यहाँ के गांव में कितना अंतर है, लोग कैसे रहते हैं। वो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बहुत बचपन से है, मतलब बचपन से मैं ये सोचता था कि होता कैसा है, मतलब बाहर जाके मतलब लोग कैसे, मतलब कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन कैसे होता है, क्योंकि हम तो, हमें पता है स्टार्टिंग से हमें गाँव में, जैसे अगर वहाँ पर रहना स्टार्ट करते तो जैसे हमारे यहाँ पे जो गाँव होते हैं, जैसे कि जलालाबाद, निठारी, बेगमबाद, हमारे यहाँ मीरपुर, शेरपुर, समयपुर, यहाँ पर सेरा, खंजरपुर। तो यहाँ पे कि हम खंजरपुर ही गाँव देखने वाले हैं, यहाँ के खंजरपुर वगैरह कैसे गाँव होते हैं। खंजरपुर है कोई गाँव? हाँ, मोदी के पास है, खतरनाक एकदम, बिल्कुल नाम हो गया खंजर पहुँचा दिया है। इस गाँव का नाम है समयपुर। समयपुर नहीं है गाइस, जिसका नाम निशेन आई थिंक, निशेन कुछ प्लेस है ये। तो ये हाउस नंबर 18 है, इसके पास हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, ये घर है वो घर है, तो थोड़ा एक चक्कर ही मार लिया इसके अंडरस्टैंडिंग करते हुए हमने। तो लुक एट द व्यू, ऑडियंस को व्यू दिखाओ। एक काम कर, वो वहाँ पे जो अमेरिकन गाय है ना, चिपकबरी वाली दिख रही है, वहाँ पे जाऊँगा कल मैं सुबह। अरे तो वहाँ से रोल होता हुआ ऐसे लुड़का लुड़का होता हुआ आऊँगा। अच्छा रहा, मतलब मैं अभी का एक्सपीरियंस बता देता हूँ गाइस। ये एक हमने एयरबिन भी लिया है जो कि स्विट्जरलैंड के लोशन शहर में है, और एक ये गाँव है इकॉन। ये देखो पूरे इसमें कई खेत हैं, ये एक फार्म हाउस लिया है मैंने, पूरा फुली फार्म हाउस है जो कि हमने बुक किया है। ये घर नहीं है किसी का, फार्म हाउस है, घर तो अलग है। तो ये पूरा ही हमने लिया है, मैं आपको मैं इसका टूर कराता हूँ आपको। ये बालकनी है, यहाँ से आप देख सकते हैं, वाओ, मॉर्निंग में उठो और ऐसी सुंदर नज़ारे आपको मिल जाएं, गायें। ये प्रॉपर विलेज है, प्रॉपर शहर वहाँ पे है, अगर आपको देखेगा तो कुछ। ये शहर है, ये लेक है, बहुत तो बड़ी लेक है। ये इस मार्कस का नाम, ये हॉस्टल जो क्या है, मार्कस नाम है इसका, और ये इसके पूरा फार्म हाउस इसी का है, हमें इसने बताया था कि पूरा इसका है। ये कुछ स्टैंडिंग घर है, कम से कम 150 साल पुराना, बाहर से पूरा वुडन आर्किटेक्चर के जैसे होते हैं शैले। ये देखो ये इसका वेयर हाउस है, जिसमें जैसे कि हम बोलते हैं ना हमारे यहाँ पे भूसा वगैरह भरने के लिए होते हैं। ये देखो उसका पूरा इक्विपमेंट रखे हुए हैं उधर, ये पूरा वेयर हाउस है इसका। ये इसकी गायें वगैरह हैं, घोड़े भी हैं इसके पास। तो ये इसकी बालकनी है, यहाँ देखो नीचे कुछ ना कुछ बन रहा होगा, बनाने वाले हैं नीचे स्टेयर जाने का है। पर यहाँ पे मोहिनी एज यूजुअल हमारी हेल्प करते हुए हमेशा मोहिनी ब्रेकफास्ट रेडी कर रही है। ये पूरी किचन हमें मिली हुई है, पूरा है यहाँ पे नितेश। और ये देखो मार्केट की कैट कितनी क्यूट सी है, अंगड़ाई मार रही है। और बस मैं अभी मॉर्निंग में उठा हूँ, बस अभी मॉर्निंग में उठ के नीचे गया हूँ मैं, थोड़े से खा पी के फिर चलते हैं यहाँ से। लेकिन काफ़ी अच्छा है, हमें पूरा मिल गया है पोर्शन यहाँ पे। ये माइक्रोवेव इधर हमारे पास, स्टॉव एंड हीटिंग करने के लिए हमारे पास है यहाँ पे हीटर, इधर डिश वॉशर भी है। और बाहर का भी दिखा देता हूँ, नज़ारा थोड़ा सा यहाँ से हम बाहर जा सकते हैं।
मार्कस ने हमारे सूद पहले ही बोला था कि बाहर उतर जाएगा, थोड़ा कॉन्शियस होते हैं सूद वगैरह के लिए। और देखो तुम ब्यूटीफुल व्यू दिखाता हूँ यहाँ के, इसकी कैट जो मैंने आपको अंदर से दिखाई थी। बारिश पड़ रही है, थोड़ी रिमझिम हो रही है, मौसम बहुत सुहाना है, तो थोड़ा सा इसका बैक यार्ड है और मैं थोड़ा स्लिप हो गया था। गार्डन बनाया हुआ है, अकेला रहता है तो। ये देखो बंडल जो मैं बता रहा था कि यहाँ पे ग्रास के बंडल है, ये इनको स्टोरेज भी कर लेते हैं। हमने बात की थी अभी मार्केट से, तो बोल रहा था कि विंटर में यहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ वगैरह पड़ती है, तो उस समय इनको एज ए स्टोरेज भी यूज़ कर लेते हैं कुछ सेल कर। ये प्रॉपर विलेज है, अब एक प्रॉपर फार्मर फार्मिंग की जगह रुका हुआ। ये देखो कितनी बड़े बड़े इनके पास ग्रास कटर और ये मेज कटर, ये सब कुछ है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं। मुझे भी क्यूरियोसिटी होती थी कि हम अपने गांव में जब रहते हैं तो हमारे पास टीलर, हैरो और रोटावेटर ये सब कुछ होते हैं, ट्रैक्टर वगैरह होते हैं जैसे हमारे पे भी है। मैं भी जैसे गांव से बिलोंग करता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है अपनी गाँव में रहना, अपने देश के गाँव में रहना। और ये भी क्यूरियोसिटी रहती थी स्टार्टिंग से ही कि बाहर के लोग भी कैसे रहते हैं, मतलब वो भी तो फार्मिंग करते होंगे, उनका भी तो जीने का मतलब ऑब्वियसली हर गांव हर देश फार्मिंग पे डिपेंड रहता है, थोड़ा बहुत तो रहता है, कुछ ज़्यादा हम जैसे ज़्यादा डिपेंड है। हमारे यहाँ तो काफ़ी अच्छी फार्मिंग होती है, मतलब ये देखो तबेला हमारे यहाँ पे तबेला भी होता है ना। ये देखो फैन भी लगा हुआ है कि यहाँ की हीट वगैरह निकालने के लिए, कितनी सारी हैं ये पंप होगा इनका। ये देखो कितना बड़ा रोटर वेटर है, ग्रास कटर है एक तरह से पूरा, ये भूसा पड़ा हुआ है। अभी गायें सब बाहर में, ये देखो एक गायें बैठी हुई है इधर भी, ये सब कुछ इसका ही फील्ड है। देखो इतनी दूर तक ये पूरी हो रखी है, मैं देखो पूरी गायें हैं। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा भी। ये देखो इनका गोबर वगैरह है, गोबर प्लांट भी लगाया मैंने कुछ यूज जैसे यूज। मैंने यहाँ पे ये चीज़ देखी है, थोड़ा टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड हो गए हैं अभी, मतलब हमारे यहाँ तो खैर अभी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आ रही है, लेकिन ये काफ़ी बड़े लैंड को उनको मैनेज करने के लिए टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, क्योंकि जैसे इक्विपमेंट भी उनके काफ़ी अच्छे से। इसका ट्रैक्टर भी मैंने देखा था, वो अभी है नहीं, खेत में गया हुआ था, बोल रहा था खेत में चल लो मेरे। देखो इनकी मुर्गियाँ भी अच्छी हैं, ये खुद के लिए खाने के लिए नहीं है, हाँ इनके अंडे अंडे यूज़ करते होंगे जैसे हमारे यहाँ पे गाँव में सब यूज़ करते हैं। ये देखो बकरी, तो हर देश में गाँव तो होते ही हैं, गाँव का दिल देश का दिल होता है, गाँव का दिल देश का दिल होता है। जैसे हमारे गाँव में भी चले जाए ना, देश का दिल देखा दिखता है, ऐसे इनके यहाँ पे भी आगे लग रहा है कि नहीं नहीं हम ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी को यहाँ पे डैमेज करने पे हमें काफ़ी ज़्यादा फाइन लग सकता है। और ये मक्के लगे हुए हैं इसमें, हम यहाँ पे मक्के के और ये खेत हम देखें गांव में आकर रुके हैं प्रॉपर एक, जैसे मैं यहाँ पे मैं गोबर की स्मेल भी आ रही है कहीं कहीं से तो, लेकिन हमें लग रहा है कि हाँ गांव है, फिर उससे हमें पता पड़ा गोबर की स्मेल यानी कि गांव आ गया। तो यहाँ पे काफ़ी मतलब यहाँ के जो फार्मर बहुत रिच हैं, क्योंकि यहाँ के जो फार्मर्स पे क्योंकि इनके पास जो बिजनेस है डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं। पहले भी इनके बहुत पुराने हमने पूछा एक दो लोगों से कितना, एक ने बताया कि मेरा 120 साल पुराना घर है, एक ने बताया कि मैं जस्ट अभी 50 साल पहले आया हूँ, जस्ट बोला उनसे तो उसको लगा कि वो बहुत ही जल्दी आ गया, लेकिन काफ़ी पुराने खेल हैं। हम यहाँ पे गोदाम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसमें भूस वगैरह भरते हैं ना, भूसा तो वो भूसा वाला भी हम देख के आए थे अभी, तो अच्छा लगा, भूसा भूसे की स्मेल आ रही थी, अच्छा आधा भूसा सड़ भी रहा था उसमें। गोबर गैस प्लांट, आई थिंक गोबर गैस प्लांट होगा जहाँ पे हमें गोबर की स्मेल आती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं गाँव के साथ साथ। अभी हमें छोटी सी लेक घूमने जा रहे हैं, बना रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो भूसा, देखो ये वही भूसा जो हम बताते हैं फार्मर के घर है। और देखो वो दिखाओ मोहनी उधर पे, तो देखो गायें वगैरह, गायें भेड़ वगैरह, देखो ये प्रॉपर गाँव है, गाँव हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे हरियाणा के गाँव होते हैं ना घाट वाले, मुझे लग रहा है ये वही हैं, ये गाँव वही है, देख लो गाँव में आती है बदबू है, ये भेड़ बकरियों में जो आती है। ये क्या हो रहा है, ये देखो ये पानी वाला बोल रहा था, आगे ये फाउंटेन जो है मैंने, तो ये फाउंटेन जो पुराना फाउंटेन है, ये मतलब अल्प से आ रहा है पानी सीधा, तो बहुत ही ठंडा यार, मैं तो लगा कि चलो अच्छा है पानी पीने लायक है।
आती है ना गांव में, चक रोड बोलते हैं खेतों के बीचों में, वो यहाँ पे पक्की हैं, लेकिन यहाँ के थोड़े स्टैंडर्ड हाई है, तो ट्रैक्टर मर्सिडीज वगैरह रोड पे चल रही है, ओडी वगैरह भी चलती हैं खेतों में। ये देखो ट्रैक्टर ब्रेक मारे रोटर वेटर से, इतना ऐसा थोड़ा भरोसा भी उठ गया है, मतलब ऐसे भी विलेज होते हैं कि इतने, मतलब सपने में कोई सोचता होगा तो इतने बड़े सपने भी ना आए। बहुत ही ज्यादा सुंदर विलेज है।